ये मोहल्ला काफी खतरनाक है और ये सारे वही गैंगस्टर है दोस्तों जो दुर्लभ भाई की गैंग में काम किया करते थे। यार मेरे को लगता है वो ये दुर्लभ भाई की गर्लफ्रेंड शायद उस तरफ सामने की तरफ वो जो फुटबॉल वगैरह खेल रही है फुटबॉल खेल रही है ना शायद मेरे को लगता है वो अपने भाई दुर्लभ केशव की गर्लफ्रेंड है शायद है ना। तो इन्होंने गैंग क्यों छोड़ी यार? यही मकान है अपने भाई की गर्लफ्रेंड का जो कि यार काफी अपने भाई की गर्लफ्रेंड बीमार भी तो हो गई थी ना यार ने मैं किडनी विडनी खराब थी उनकी यार। तो हुआ क्या तो यार? अरे रोज रोज क्यों आता है आप? तो हम तो हमारा एरिया है तो आपके एरिया तो हम चले जाएंगे ना बस यार। जाओ तो क्या अभी इधर आ जाओ भी इधर आ जाओ इधर। आपके अपने यूट्यूब चैनल पे तो दोस्त यार मैं पहुंच चुका हेलवाड़ी उज्जैन के उसी इलाके में जहाँ पे अपने भाई दुर्लभ केशव की गर्लफ्रेंड का घर है। गाइज मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली है उसके छोटे वाले भाई से कॉल करके पूछ लिया मैंने। अब चलने वाले सीधा उसके घर पे और उसके घर के पास में एक नया गार्डन बना हुआ है तो शायद हो सकता है वो वहाँ पे फुटबॉल वगैरह खेलती हो तो वहीं पे मिलते हैं गाइज सीधा चल के बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलो भैया सीधा वहीं पे मिलते हैं। तो गाइज चल रहे सीधा उनके घर पे देखते रस्ते में क्या क्या होता है। बाकी यार दोस्तों देख सकते हो सारे गैंगस्टर लोगों ने मतलब कि काफ़ी बड़े बड़े बंगले बनवा रहे अभी भी काम चल रहा है मकान का। ये छोटे बच्चे जो कि शायद ये भी मेरे को लगता है गैंगस्टर ही बनेंगे बड़े होकर। दोस्तों यार यहाँ पे एक पार्क भी बना हुआ है। दोस्तों ऐसे बताया जा रहा है कि उनका घर भी मतलब नया बना लिया उनके पापा जी ने करोड़ों रुपये का घर बनाया है। तो मैं आप लोगों को इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ उसका घर और सीधा इंटरव्यू लेगा उनके घर पे चल के। दोस्तों यार इधर दो अंकल जी खड़े जो कि हम लोगों को देख तो रहे पता नहीं चुपके से निकलना पड़ेगा। गाइस ये भी हमको गैंगस्टर लग रहे हैं ये बच्चे लोग इधर खेल रहे हैं। गाइस बाकी आगे की तरफ चलते दोस्तों यार यहाँ के घर मकान आप सभी लोग देख सकते हो। यार ये छोटा सा बच्चा जो कि ऊपर की तरफ खड़ा है बाकी ये भी हमको देख रहा था कि भैया क्या कर रहे हैं। दोस्तों हम इतने रिक्स लेकर आप लोगों के लिए इतनी मतलब भारी तरीके से वीडियो बना रहे हैं ना कि क्या बताऊँ मैं आप लोगों को। तो दोस्तों यार सामने की तरफ से एक भैया जो आ रहे हैं ये गौ माता बैठी है गौ माता की जय हो। बाकी इधर कुछ लोग बैठे गाइस इनको हम इग्नोर करते हैं चलते सीधा उनके घर पे। दोस्तों यार वैसे अगर आप लोगों को डायरेक्ट बात करनी दुर्लभ भाई की गर्लफ्रेंड से तो दोस्तों यार आप हमको इंस्टाग्राम पे मैसेज भी कर सकते हो बात आपकी हम आप लोगों को बिल्कुल लाइव वीडियो कॉल पे दिखा सकते हैं। बाकी यार दोस्तों इस लड़की को देख सकते हो ये शायद मेरे को लगता है उनकी भाई की गर्लफ्रेंड की फ्रेंड है शायद। बाकी इनसे बात नहीं करेंगे दोस्तों आगे की तरफ चलेंगे। और ये बच्चे लोग यहाँ पे पता नहीं पतंग वगैरह उड़ा रहे क्योंकि मकर संक्रांति आने वाली है। दोस्तों ये देख सकते हो और हेलवाड़ी के काफ़ी खतरनाक गैंगस्टर छोटे छोटे बच्चे। बाकी सामने की तरफ कुछ महिलाएँ चल रही जो कि मेरे को लगता है उनकी मौसी वगैरह हो सकती है इनसे बात करेगा। नहीं नहीं चलो चलो आगे चलो ये भी दो गैंगस्टर नहीं लग रही है गाइस। बाकी सामने की तरफ मेरे को लगता है कुछ लड़ाई दंगा हो गया देखो कितनी सारी गाड़ियां खड़ी है। चलो चलो जल्दी चलो यार भैया। दोस्तों यार देख सकते हो सामने की तरफ से मतलब कि और काफ़ी सारी गाड़ियां खड़ी है मेरे को लगता है यहाँ पे लड़ाई हो गई शायद यार रुक कर देखना पड़ेगा यार भैया। अरे यार गाइस मेरे को लगता है शायद यहाँ पर लड़ाई हो गई पक्की यार। दोस्तों यार ये देख सकते हो मेरे को लगता है पुलिस वाले नहीं है ये इनकी मौसी जी है। बाकी यार पता नहीं यहाँ पे शायद गाइस यार लड़ाई हो गई या पता नहीं किसी की मृत्यु हो गई। अच्छा गाइस यार यहाँ पे किसी गैंगस्टर की मृत्यु हो गई थी तो आज उसका बारह है शायद हो सकता है। बाकी सीधा चलते हैं उनके घर के ऊपर। बाकी इधर गाइस सब गाड़ियाँ देख सकते हो और गाइस कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी है ये सारा का सारा गैंगस्टर इलाका है गाइस पूरा मोहल्ला का मोहल्ला गैंगस्टर से भरा हुआ है। बाकी यहाँ पे अगर आप आओ तो कभी बच के रहना गाइस वरना आप लोगों को भी उड़ा दिया जाएगा। तो दोस्तों फाइनली पहुँचने वाला इस गार्डन के पास में और उसके घर के पास में जहाँ पे हम उनसे बातचीत करेंगे और इंटरव्यू लेंगे। तो दोस्तों यार सीधा मिलते हैं उनके पास में। तो गाइस यार हम फाइनली पहुंच चुके हैं उसी पार्क के अंदर जहाँ पे अपने भाई की गर्लफ्रेंड बताया गया मतलब कि यहाँ पे फुटबॉल खेलने आती है। हो सकता है अंदर चल के देखते हैं यहीं पे मिल जाए अपन को। तो बात करते हैं कुछ लोगों से अंदर चल के। अजय भैया गाइस यार आप लोगों को किस्मत अगर मिल गई तो सच में यार मज़ा आ जाएगा। क्वेश्चन पूछेंगे उनसे। अजय भैया जल्दी आ जाओ। तो गाइस यार यहाँ पे काफ़ी सारे लोग फुटबॉल वगैरह तो खेल रहे हैं यार देख सकते हो आगे की तरफ सारे गैंगस्टर वगैरह है और शायद उस तरफ चल के देखते हैं यार आगे कौन मिलता है अपने को। गाइस यार मैं पहले बता देता हूँ आपको यार ये मोहल्ला काफ़ी ख़तरनाक है और मतलब बहुत सारे गैंगस्टर वगैरह यहाँ पे हैं और ये सारे वही गैंगस्टर है दोस्तों जो दुर्लभ भाई की गैंग में काम किया करते थे। इन लोगों ने मेरे को लगता है शायद लड़ाई दंगा का काम छोड़ दिया गाइस। भैया उस तरफ शायद कुछ लड़कियाँ फुटबॉल वगैरह खेल रही है यार है ना। तो गाइस यार मेरे को लगता है वो ये दुर्लभ भाई की गर्लफ्रेंड शायद उस तरफ सामने की तरफ वो जो फुटबॉल वगैरह खेल रही है। फिर भी एक बार हम उन पर डायरेक्ट कैमरा नहीं लेके जाएंगे गाइस उनके पास में डायरेक्ट नहीं जाएंगे पहले उन भैया से बात करते हैं जो साइड में खड़े हैं वहाँ पे। तो भैया एक बार इन गैंगस्टर को दिखा दो यार सारे को जो फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं। तो गाइस यार ये देख सकते हो काफ़ी सारे गैंगस्टर लोग फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं। बाकी यार मेरे को लग रहा है वो जो उधर लड़कियाँ वगैरह भैया वो जो लड़कियाँ फुटबॉल खेल रही है ना शायद मेरे को लगता है वो अपने भाई दुर्लभ केशव की गर्लफ्रेंड है शायद है ना। तो गाइस यार मेरे को लगता है या तो उनकी सहेलियाँ हैं पहले उन भैया से बात करते फिर उन लड़कियों के पास में चलेंगे गाइस आप लोगों के पास में लेके यार। तो गाइस यार भैया लोग खड़े हैं सामने की तरफ और इसी एरिया के अंदर अपने भाई की गर्लफ्रेंड का घर भी बताया गया है तो देख लेते एक बार चल के उनके पास में। तो गाइस यार भैया लोग अपने शायद लग रहे हैं शायद पूछते हैं क्वेश्चंस। जय श्री महाकाल भैया। जय श्री
और कैसे हो? सब बढ़िया भैया। जय श्री महाकाल भैया। जय श्री महाकाल। कैसे हो? अच्छे बढ़िया। अच्छा, आजकल यार गैंगस्टर लोग काफी कम आ रहे हैं यहाँ पे यार, क्या बात है? गुजरने के बाद वैसे ही है। अच्छा, गुजरने के बाद में सारी मतलब वैसे ही हो गया, व्यवस्था बिगड़ गई है ना। तो ये भी मतलब मेरे को लगता है यार, शायद ये लड़के जो यहाँ पे फुटबॉल वगैरह खेल रहे हैं, ये पहले अपने भाई दुर्लभ कश्यप की गर्लफ्रेंड, वो उनकी गैंग में शामिल थे है ना, तो इन्होंने गैंग क्यों छोड़ी यार? दुर्लभ कश्यप मरने के बाद छोड़ दी गैंग। अच्छा, तो यार इसी एरिया के अंदर मैंने सुना था कि अपने भाई की गर्लफ्रेंड का नया मकान भी बना है यार इसी एरिया में। अच्छा, यही है क्या भैया? एक बार कैमरे में दिखा दो यार। तो गाइस यार यही मकान है, देख सकते हो यार, अपने भाई की गर्लफ्रेंड का, जो कि यार काफ़ी खतरनाक बंगला बनाया है उनके पापा ने और बाकी मस्त तरीके से बनाया यार इसको, है ना। काफ़ी पैसे लगेंगे इसमें तो यार? इसमें 60 करोड़ 60 लाख। अच्छा, 60 लाख के लगभग लग गए गाइस यार, 60 लाख का बंगला बनवाया उन लोगों ने। तो यार वो यहाँ पे नहीं आती क्या फुटबॉल वगैरह खेलने के लिए? वो भी आने वाली है। आने वाली है? तो यार ये कुछ लड़कियाँ वगैरह यहाँ पे फुटबॉल खेल। अच्छा, उनकी फ्रेंड है क्या? अभी शायद बीच में अपने भाई की गर्लफ्रेंड बीमार भी तो हो गई थी ना यार। हो गई थी ना। अच्छा, मतलब क्या क्या बीमारी थी उनकी यार? इसे मैंने सुनने में आया किडनी विडनी खराब थी उनकी यार। वो तो रिंग विंग ऐसे करने से होते हैं, दो लोग ऐसे साथ में जो हो गए। अच्छा अच्छा, बाकी यार मोहल्ला काफ़ी ख़राब है आपका यार, कुछ भी बोलो यार। मतलब मैं बाहर से आया तब भी मेरे को परेशानी हो रही थी, काफ़ी सारे गैंगस्टर लोग मिले थे मेरे को रस्ते में यार। वो तो यही है। और भैया आपका नाम क्या है यार? मेरा नाम राहुल है। अच्छा राहुल, और आपका भैया? निखिल है नाम। अच्छा निखिल जी। तो गाइस यार भैया लोगों ने हमने को कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जो कि यार उनकी गर्लफ्रेंड का घर तो यही बताया है। हो सकता है कुछ ही देर में अगर वो यहाँ पे आए तो हम आप लोगों को लाइव इंटरव्यू लेकर उनके बारे में बताए, कुछ पूछ के बातें। तो थोड़ा सा वेट करते हैं और भैया जी से कुछ पूछते यार। यार भैया, और वो जो पास में इधर मतलब एक सलमान लाला का मकान भी तो इधर ही था ना यार? वो इधर पास में, उनकी भी काफ़ी बड़ी गैंग है यार, है ना? आप उनके साथ में नहीं रहते थे क्या? नहीं नहीं, साथ में थे। अच्छा, आप भाई के साथ में रहते थे ना? वैसे भाई का यार मतलब काफ़ी नाम चलता था यार उज्जैन में ना, इसी एरिया में काफ़ी खौफ है अभी भी भाई का, है ना? ये अभी भी खौफ तो है। तो यार ये राजदीप मंडलोई वगैरह उनके बारे में मतलब यार, जैसे मतलब उनका भी खौफ काफ़ी है यहाँ पे, है ना? उनका है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? हाँ, क्या हुआ? क्या हुआ भैया? अरे कौन है तू? तो हुआ क्या? तो यार, अरे रोज रोज क्यों आता है आप? तो हम तो यार भाई की गर्लफ्रेंड के बारे में कुछ इंटरव्यू लेना आए थे भाई से यार। क्यों आया? तो आपको क्या जा रहा है? हाँ जा रहा है हमको। क्यों, क्या हो गया? आप क्यों, तो आप क्यों थोड़ी बना रहे हम वीडियो यार? क्यों बना रहे, क्यों रहे हो यहाँ पे? तो बनाएंगे ना भाई, हमारा एरिया है। तो आपके एरिया तो हम चले जाएंगे ना बस यार। जाओ तो क्या जाए यार? जा। ये कौन है यार छोटा सा? भाई भैया 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 इधर आ जाओ, भैया इधर आ जाओ, इधर भैया भैया हम जा रहे हैं यार, ठीक है ना भैया? रुको 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 गाइस, यहाँ पे यार मेरे को पहले ही पता था कि यहाँ पे बच्चे बच्चे गैंगस्टर है गाइस। यार आपने देखो अगर रिवॉल्वर लेके हमारे पास में आ गया, हम तो यहाँ से निकल रहे गाइस। अगर और भी कुछ जानकारी मिलेगी भैया से हम वापस कॉन्टेक्ट करेंगे। अगर गाइस वापस जानकारी मिलेगी तो हम वापस आएंगे इसी गार्डन के अंदर और नेक्स्ट पार्ट के अंदर आपको गर्लफ्रेंड के बारे में सब कुछ बता देंगे क्लियर, आपको लाइव इंटरव्यू लेकर बताऊँगा गाइस यार।